जयसु, स्वागत करता हूँ आप सभी का। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ ऑनलाइन हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत इस आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा बना रहे। मेरे भाई, मेरी बहन, आइए इस समय हम पूरी भक्ति के साथ, पूरी लगन और पूरे हृदय के साथ प्रभु से जुड़ेंगे। शाम का ये समय प्रभु के साथ हम बिताएं। आप जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु को वहां पर संत पौलुस कहते हैं, आप लोग यह पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। आप लोग यह पता लगाएं कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं, यानी प्रभु को हमारी कैसी सोच पसंद है, कैसे कार्य, एक्शन, वर्ड्स जो हम बोलते हैं, उन सारी बातों में हमें प्रभु को प्रसन्न करने वाली बातें ढूंढनी है। अक्सर हम अपनी पसंद की चीजें ज्यादा करते हैं या दूसरों की पसंद की चीजें ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रभु को प्रसन्न करने वाली, प्रभु को अच्छी लगने वाली बातें ढूंढेंगे, प्रभु को पसंद आने वाली कार्य करेंगे। तो पौलुस कहते हैं कि हर बात में यह पता लगाओ कि प्रभु को क्या पसंद है। अगर आप और गहराई से पढ़ेंगे, पौलुस कहते हैं जो विवाहित हैं वे अपने पति या अपनी पत्नी को प्रसन्न करने की चिंता करते हैं, लेकिन हम जो प्रभु से प्यार करते हैं, चाहे वे विवाहित हों, अविवाहित हों, बच्चे हों, नौजवान हो, सब कोई, अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं, हम प्रभु को अच्छी लगने वाली बातें करेंगे। तो हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की महिमा करें, आंखें बंद रखें, प्रभु से प्रार्थना करें, पूछें, प्रभु मैं आपको अच्छी लगने वाली बातें सीखना चाहता हूं, मुझे सिखाइए, मेरी सहायता करें पवित्र आत्मा, मेरे कार्य, मेरी बोलचाल, मेरी भाषा, मेरा सोचना, मेरा हर एक काम तुझे पसंद आए, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूं प्रभु, पूरे हृदय से, हृदय की गहराई से मैं आपकी आराधना करता हूं। जैसे माता मरिया ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, मुझे सिखाना प्रभु कि कैसे तुझ में आनंद मनाते हैं, मुझे सिखाना कि हृदय से कैसे तेरा गुणगान करते हैं, मुझे आत्मा से भरना, मुझे ऐसा भरना प्रभु कि मैं नहीं वरन तू मुझ में जीवित हो जाए, मेरी एक एक कमी, एक एक कमजोरी को दूर करना, इस समय तेरे पुत्र यीशु के लहू से मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र करना, ताकि मेरे द्वारा की गई आराधना तुझे पसंद आए, तुझे प्रिय लगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। आइए हम इस समय प्रभु के आदर में एक गीत गाते जाएंगे मेरे पीछे और प्रभु की तारीफ करते जाएं। We'll be right back.
मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन विश्वास तू
तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना।
प्रभु है जो सब नया बनाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र संध्या के दौरान हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। वो परमेश्वर मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10 में कहता है, मैं प्रभु ईश्वर कभी नहीं बदलता, मैं प्रभु ईश्वर कभी नहीं बदलता, मैं अपने नाम को कभी भी कलंकित नहीं होने दूंगा। मैंने तुमसे जो प्रतिज्ञाएं की हैं, तुम्हारे पूर्वजों से जो मैंने प्रतिज्ञाएं की हैं, मैं अपने नाम की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं उन्हें पूरा करूंगा। मैं प्रभु ईश्वर नहीं बदलता। प्रियजनों, इस पवित्र संध्या के दौरान प्रभु हमसे बातें कर रहा है। वो इस पवित्र संस्कार के रूप में इस वेदी के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। उसकी आंखें सब कुछ देख रही हैं। वो आप में से एक एक व्यक्ति के हृदय की था ले रहा है। जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, प्रभु आपको शांति प्रदान करें, ढारस बंधाए, आपको आशान्वित करे। आज जो कष्ट में है, चिंता में है, परेशानी में है, यदि आप अपने कार्यों में सफल नहीं हुए हैं तो निराश मत हो, भरोसा रखिए, प्रभु आपके जीवन में आशीषें प्रदान करेगा, क्योंकि उसने कहा उचित समय आने पर मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा। उस क्षणों के लिए प्रभु के साथ जुड़ जाइए, अपने सारे कामकाज छोड़कर उसकी आराधना करना। स्तोत्रकार कहता है, कृतज्ञ हृदयों के लिए यह शोभन है कि वे ईश्वर का धन्यवाद करें। जो भक्त हैं भक्ति में डूब जाएं, और जो प्रभु का नाम का स्मरण करते हैं उसका नाम जपने लगें, जो आनंद में हैं तो वो गीत गाएं, स्तुति करें, जो कष्ट में हैं तो प्रार्थना करें। संत पौलुस कहता है, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो। जो ईश्वर में अपना आनंद खोजते हैं वो उनके मनोरथों को पूरा करता है। प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए है, आपके घर में उसकी महिमा छाई हुई है। प्रियजनों, उसका प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। पवित्र आत्मा हम पर इस वक्त अधिकार ले और हमें अनुग्रह के सिंहासन की ओर वो लेकर चले, जिससे कि मैं और आप बड़े आनंद के साथ हृदय की और आत्मा की सच्चाई से उसकी आराधना कर सकें। दूर दराज से जितने भी लोग इस वक्त, छोटे बड़े बुजुर्ग जो इस वक्त इस आराधना में जुड़ चुके हैं, प्रभु आपको ब्लेस करें। दंपतियों, आपके जीवन को प्रभु ब्लेस करें। आपके छोटे बड़े नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रभु आशीर्वाद प्रदान करें। आज की इस पवित्र संध्या वंदना के दौरान जितने भी वचन आज प्रभु आपसे बोलने जा रहा, उनके द्वारा आपके जीवन में उद्धार आए, मुक्ति आ जाए, शांति आ जाए। प्रभु आपको प्रेम करता है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ता है, वो आपकी सुध लेता है नित्य प्रतिदिन, वो आपको जीवन का वरदान देता, पूरे दिन भर आपका मार्गदर्शन करता, वो आपके लिए युद्ध लड़ता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हमारे लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम उस सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, महिमा गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूं, मैं आपकी आराधना, आपकी महिमा गाता हूं, आपकी महिमा गाता, आपकी जय जयकार करता हूं, आपकी जय जयकार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, आप इस पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं, आप इस पवित्र संस्कार
में उपस्थित आप जीवितों के परमेश्वर हैं, आप जीवितों के परमेश्वर हैं। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे निराश ना होने दे, मुझे निराश ना होने दे। मैं अपने परिवार के साथ, मैं अपने परिवार के साथ मिलकर तेरी आराधना करता हूँ, मिलकर तेरी आराधना करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता आज के पूरे दिन के लिए, आज के पूरे दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस पवित्र संध्या वंदना के दौरान, इस पवित्र संध्या वंदना के दौरान मुझसे बातें कीजिए, मुझसे बातें कीजिए। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन, आपके वचन आत्मा और जीवन है, आत्मा और जीवन है। इन वचनों में, इन वचनों में अनंत जीवन का संदेश है, अनंत जीवन का संदेश है। हम आपको छोड़कर, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, हमें वचन को सुनने, हमें वचन को सुनने और समझने का, और समझने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए, सामर्थ्य प्रदान कीजिए। जैसे आपने, जैसे आपने चेलों को प्रेरित किया, चेलों को प्रेरित किया आग के रूप में, आग के रूप उनके ऊपर उतर आए, उनके ऊपर उतर आए, हम पर भी उतर आइए, हम पर भी उतर आइए। हमें शुद्ध कर दीजिए, हमें शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। शक्ति तू ही दिला।
टेक सकते हैं टेकें, जिनके पास बाइबल है वो इस वक्त बाइबल खोल लें। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, हम अपनी प्रार्थनाओं को इस भजन के द्वारा प्रभु के चरणों में रखें, वो हमारी प्रार्थना को सुने और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। स्त्रोत संख्या 139, साम नंबर 139। सर्वज्ञ ईश्वर की हम स्तुति करेंगे। प्रभु तूने मेरी थाह ली है, प्रभु तूने मेरी थाह ली है, तू मुझे जानता है, तू मुझे जानता है, मैं चाहे लेटू या बैठूं, मैं चाहे लेटू या बैठूं, तू जानता है, तू जानता है, तू दूर रहते हुए भी, तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भाप लेता है, मेरे विचार भाप लेता है, मैं चाहे चलूं या लेटूं तू देखता है, मैं चाहे चलूं या लेटूं तू देखता है, मैं जो भी कहता हूं तू सब जानता है, मैं जो भी कहता हूं तू सब जानता है, मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई, मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई, कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया, कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया, तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है, तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है, तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है, तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है, तेरी यह सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है, तेरी यह सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है, यह इतनी ऊंची है, यह इतनी ऊंची है कि मैं इसे छू नहीं पाता, कि मैं इसे छू नहीं पाता, मैं कहां जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं, मैं कहां जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं, मैं कहां भाग कर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं, मैं कहां भाग कर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं, यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहां है, यदि मैं अधोलोक
लोक में लेटूं तो तू वहां है। यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो वहां भी तेरा हाथ मुझे ले चलता वहां भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है यदि मैं कहूँ अंधकार मुझे छिपाए और रात मुझे चारों ओर घेर ले तो तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं है और रात दिन की तरह प्रकाशमान है अंधकार तेरे लिए प्रकाश जैसा है तूने मेरे शरीर की सृष्टि की तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरा निर्माण अपूर्व है तेरे कार्य अद्भुत है मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ जब मैं अदृश्य में बन रहा था जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा तूने मेरे सब कर्मों को देखा वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं घटित होने के पूर्व ही मेरे दिनों की सीमा निर्धारित की गई ईश्वर मेरे लिए तेरे विचार कितने दुर्बोध हैं उनकी संख्या कितनी अपार है यदि मैं उन्हें गिनना चाहूं तो वे बालू के कणों से भी अधिक हैं यदि मैं उन्हें पूरा गिन पाऊं तब भी मैं घाटे में होऊंगा ईश्वर कितना अच्छा होता कि तू दुष्टों का विनाश करता रक्त पिपासु मनुष्यों मुझसे दूर हटो वे कपट से तेरा नाम लेते और व्यर्थ ही तुझसे विद्रोह करते हैं प्रभु क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना करूं क्या मैं तेरे विरोधियों से घृणा ना करूं मैं हृदय से उनसे बैर करता हूं मैं उन्हें अपने निजी शत्रु मानता हूँ ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर पैर न रखूं मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल कुछ क्षण मौन होकर मन ही मन अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करें। आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त धन्यवादित होकर इस आराधना में भाग ले रहे हैं। प्रभु आपको आशीष प्रदान करें।
इस वक्त बहुत से लोग अपने कामकाज से घर वापस लौट रहे हैं, प्रभु आपको संरक्षण दे। जो इस वक्त अपने कामकाज में लगे हैं, प्रभु आपके काम को ब्लेस करें। घर में माता यदि किचन में है तो प्रभु आपके उस किचन को आटा गूंदने की परात को भी आशीष प्रदान करें। बस कुछ क्षण मेरे साथ सच्चे हृदय से और सच्चे मन से प्रभु की आराधना करना, अपना चित्त उसमें लगाना प्यारे भाई प्यारी बहन, क्योंकि बाइबल कहती जो उसमें अपना आनंद खोजते हैं वो उनके मनोरथों को पूरा करते हैं। जो इसकी ओर दृष्टि लगाते हैं वे कभी निराश नहीं होते हैं, क्योंकि निराश तो वे लोग होते हैं जो अकारण ईश्वर को त्याग देते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना, प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। आज का ये वचन आपकी जिंदगी में, परिवार में, जीवन में 100 गुना फल लाए, वो आपके बच्चों को उन्नति प्रदान करें। प्रभु से कहना कि यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मुझे अपना प्यार दिखाओ, मुझे सांत्वना प्रदान करो, मुझे ढारस बंधाओ। प्रभु अचानक कभी कभी मैं टूट जाता हूँ, जिंदगी की इन विषम परिस्थितियों में मैं निराश हो जाता हूँ, मैं अकेलापन महसूस करता हूँ, मेरी बीमारी, मेरी तंगी, मुसीबत, बेरोजगारी, आर्थिक तंगियां मेरे जीवन में मुझे हताश कर देती हैं। इसलिए प्यारे यीशु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अधिकार लीजिए, मुझे सत्य के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर चलना सिखाइए। यीशु प्यारे मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ।
प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20, आपने प्रभु को पुकारा और प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, और यदि तुम द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। इसलिए अपने हृदय रूपी द्वार को खोल देना प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपके हृदयों में आना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके घर में आना चाहता है, वो आपसे बातें करना चाहता है, वो आपको सत्य की राह पर लेकर चलना चाहता है। और प्रभु इस वक्त आपसे कह रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6, चूंकि आपने उसे पुकारा और वो आपके घर में है इस वक्त, तो उसका वचन विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 13 और उससे आगे, कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसी की सेवा करोगे और उसी के नाम पर शपथ खाओगे। तुम पराए देवताओं के अनुयायी मत बनो, उन राष्ट्रों के देवताओं के जो तुम्हारे आसपास रहते, क्योंकि तुम्हारे बीच रहने वाला तुम्हारा प्रभु ईश्वर एक असहनशील ईश्वर है। ऐसा ना हो कि उसका क्रोध तुम पर भड़क उठे और वह देश की भूमि पर से तुमको मिटा दे। प्रभु अपने ईश्वर की परीक्षा मत करो, जैसा कि तुम लोगों ने मस्सा में किया था। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का आदेश है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, जो सत्य है, जिसका नाम सत्य है, जो सत्य प्रतिज्ञ है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो हृदयों की थाह लेता है, और जिसके विषय में संत योहन अपने पत्र में लिखता है कि ईश्वर तो आत्मा है। इसलिए सच्चे आराधकों को चाहिए कि वो आत्मा और हृदय की सच्चाई से ईश्वर की आराधना करें। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसी के साथ प्रभु आपसे आज इस संध्या के समय कहने के लिए आया है, क्योंकि आपने उसे बुलाया है कि मेरे दुखों को दूर कीजिए, मुझे सांत्वना दीजिए, मुझे आशीष दीजिए। तो प्रभु कहता है कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, मुझे भी तुमसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। लिखा है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 2 में, यदि तुम अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और उसके नियम तथा आदेश जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी, तुम्हारी आयु लंबी होगी। हर व्यक्ति दीर्घ आयु चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यदि तुम अपने पुत्रों और अपने पौत्रों के साथ जीवन भर ईश्वर की स्तुति करोगे, उस पर श्रद्धा रखोगे, और जो आदेश और जो वाणी मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं, दे रहा हूं, उसका तुम यदि पालन करोगे तो तुम्हारी आयु दीर्घ होगी। कहता है इज़राइल, यदि तुम सुनोगे और सावधानी से उनका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। कहता है यदि तुम मेरी बातों का सावधानी से पालन करोगे, उनको सुनोगे, तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम फलोगे और फूलोगे, जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों ने के ईश्वर ने वह तुम्हें देश
कहा कि वह तुम्हें वह देश प्रदान करेगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। बोलिए आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, अपने परिवार के साथ, मैं अपने परिवार के साथ आपकी सेवा करूँगा, आपकी सेवा करूँगा, आप पर श्रद्धा रखूँगा, आप पर श्रद्धा रखूँगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने कहा कि आज मेरे बच्चों को आज्ञा पालन का महत्व समझाओ, आत्मत्याग का महत्व समझाओ। तो चालीसे के इन इस पवित्र अवधि के दौरान आज हम दो बातों पर मनन चिंतन करने का प्रयास करेंगे और प्रभु की ओर से ये वचन सुनेंगे कि प्रभु चाहता है कि विश्वासी भक्तगण प्रभु की आज्ञा को पालन करें। जब आप इन वचनों को सुनते हैं तो उन पर चले, उन्हें चरित्रार्थ करें और नित्य प्रतिदिन अपनी जिंदगी में प्रभु के लिए एक भलाई का काम अवश्य करें। अपने बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ, छोटे बच्चों के साथ इस संहिता के वचनों की चर्चा किया करें, उठते बैठते राह चलते समय। और जब वे लोग पूछें कि हमारे प्रभु ईश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, तब तुम उन्हें यह समझाया करो और बताया करो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। बोलिए आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है तुम अपने बच्चों को बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया, और इस विषय में लिखा है कि तुम उनसे कहो कि हम मिस्र देश में गुलाम थे, हम दास थे और हम पर अत्याचार होते थे और हमें कष्टों का सामना करना पड़ता था, लेकिन परमेश्वर हमें मिस्र की गुलामी से अपनी महती दया के कारण निकाल कर लेके आया। वो हमें मरुभूमि में ले चला, वो बादल के खंभे के रूप में हमारे आगे चला, प्रकाश के स्तंभ के रूप में हमारे पीछे रहकर उसने हमें रास्ता दिखाया, उसने हमें सूखे कदमों लाल सागर पार कराया और उसने फिराओं की सारी सेना को समुद्र में बहा दिया। उसके रथ, उसके घुड़सवार, उसके घोड़े सब कुछ नष्ट हो गए, परंतु परमेश्वर अपनी प्रजा को सूखे कदमों लाल सागर पार करा कर ले आया। बोले आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप हमारे बीच में हाजिर हैं, आप हमारे बीच में हाजिर हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, आशीष प्रदान कर रहे हैं, आशीष प्रदान कर रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तो इस संबंध में विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 20 में लिखा है, जब भविष्य में तुम्हारा पुत्र तुमको तुमसे पूछे कि प्रभु हमारे ईश्वर ने आपको जो आदेश और विधि निषेध दिए हैं उनका अर्थ क्या है, तो उसको यह उत्तर दो, हम मिस्र में फिराओं के यहां दास थे, प्रभु हमें अपने बाहुबल से मिस्र में से निकाल लाया, उस समय प्रभु ने हमारी आंखों के सामने ही मिस्र, फिराउन और उसके दरबारियों के विरुद्ध महान और भयावह चिन्ह और चमत्कार दिखाए, वह हमें वहां से निकाल कर यहां लाया और उसने हमें यह देश दिया जिसकी उसने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी। आप जिस जिस जगह में इस वक्त विराजमान हैं, चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, वो जगह छोटी हो या बड़ी हो, अज्ञात हो या उस जगह को लोग जानने वाले हैं, इस संसार में जहां पर भी मसीह को जानने वाले लोग रहते हैं, ये प्रभु की इच्छा है कि उसने आपके प्रांतों की सीमा को निर्धारित किया और उस जगह पर बसाया और आपको आशीर्वाद प्रदान किया, जिससे कि आप फले फूले और अपने घरों में अपनी संतानों के साथ सुखी रहें, आपकी दाखबारियां फलती फूलती रहें और आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह
उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार सदा सदा बना रहे, ये आशीर्वाद है आपके लिए। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो इसलिए हम गीत गा रहे थे कि यीशु प्यारे मेरे दिल में आइए, मेरे घर में आइए, अपना वचन हमें समझाइए और सुनाइए। और परमेश्वर इस वक्त हमें सुना रहा है, और दूसरी आज्ञा वो हमें दे रहा है, अध्याय 5 पद संख्या 31 विधि विवरण ग्रंथ। तुम यहां मेरे पास रहो, मैं तुमको सब नियम आदेश और विधि निषेध सुनाऊंगा, जिन्हें तुम उन्हें सिखाओगे, जिससे वे उस देश में उनका पालन करें जिसे मैं उनके अधिकार में दूंगा। इसलिए तुम सावधानी से प्रभु अपने ईश्वर की सब आज्ञाओं का पालन करते रहो और अपने कर्तव्य पथ से तनिक भी विचलित नहीं हो जाओ। प्रभु कहता है जिस देश को मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, जिस जगह को मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, जिस प्रांत को मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, तुम उस जगह पर रहते वक्त ईश्वर के एक एक नियम का पालन करोगे। ये इज़राइल के लिए आदेश था जो कि मूसा के द्वारा प्रभु उन्हें बता रहा था, और ये आदेश आज आपके लिए है, सबके लिए है। इस वक्त आप चाहे किसी भी शहर में क्यों ना हो, प्रभु ने आपके लिए वो जगह को निर्धारित किया और आपको वहां पर बसाया ताकि आप उसकी उपस्थिति बनकर वहां पर रह सके। इसलिए वो कहता है जब तुम मेरी आराधना करोगे, स्तुति करोगे, मुझे आवाज दोगे, तो मैं वहां पर हाजिर होऊंगा और मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुमसे कहूंगा कि देखो मैं प्रस्तुत हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वासियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विषय में उपदेशक ग्रंथ बुक ऑफ एक्लेसियास्टस, उपदेशक ग्रंथ बुक ऑफ एक्लेसियास्टस चैप्टर 8 वर्स 5, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 5, जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो बुद्धिमान है वह हर काम का उपयुक्त समय और उचित ढंग जानता है। बोलिए आमेन, आमेन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, उपदेशक ग्रंथ, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 8, अध्याय 8 पद संख्या 5, पद संख्या 5, जो उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा, उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जितने भी लोग धर्म शास्त्र की आज्ञा का पालन करते, ईश्वर के वचनों पर चलते, उनका कोई अनिष्ट नहीं होगा, यह पवित्र बाइबल हमें वादा करती है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 28, जो संहिता का ध्यान रखता है वो आज्ञाओं का पालन करता है। मतलब जो इस पवित्र धर्म शास्त्र का ध्यान रखता, उसको पढ़ता है, उसका आदर करता है, उसमें विश्वास करता है, बाइबल कहती है कि वह ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, और जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे कोई हानि नहीं होगी, उसे कोई हानि नहीं होगी। हम अपने आप से पूछें प्यारे भाइयों और बहनों कि कितने लोग ईश्वर के शास्त्र को जानते हैं या पढ़ते हैं या उस पर चलने का प्रयास करते हैं। हम ईश्वर की बातों को प्यारे भाइयों और बहनों कभी कभी अपने जीवन में विश्वास नहीं कर पाते। पवित्र धर्म शास्त्र को कितने ही लोग हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, और यही कारण है कि वह ईश्वर के विषय में नहीं जानते हैं। तो अगर कोई धर्म शास्त्र नहीं जानता तो वह ईश्वर को भी नहीं जानता। अगर कोई प्रभु का वचन नहीं जानता, पवित्र बाइबल को नहीं पढ़ता या नहीं जानता, तो वो ईश्वर को भी नहीं जानता। आप जितना इसे पढ़ेंगे उतना परमेश्वर के
मन के विषय में जानेंगे, क्योंकि इसमें परमेश्वर की मन की बातें लिखी हुई हैं, ईश्वर के प्रति उसके प्रेम की चर्चा है। ईश्वर आप लोगों से प्रेम करता, इसलिए वो अपने बातों को इसमें हमें बताता है और लिखता है कि उसने इंसान को कितना प्यार किया और उससे कितनी मोहब्बत की कि उसके लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। और वो प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का आज्ञाकारी बना रहा क्रूस के अंतिम क्षणों तक। चालीसे की इस पवित्र अवधि के दौरान हम नित्य प्रतिदिन प्रभु का वचन सुनते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने, जो स्वयं ईश्वर था, ईश्वर की बराबरी नहीं की, बल्कि उसने अपने आप को क्रूस के ऊपर न्योछावर कर दिया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप कष्ट ना सहें, मैं और आप कष्ट न सहें, मैं और आप पाप की गुलामी में न रहें। इसलिए वो प्रभु हमसे कहता है, प्यारे भाइयों और बहनों, कि मरुभूमि में इन 40 वर्षों की वह यात्रा को याद रखो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुमको बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभाव का पता लगाने के लिए, और इस प्रकार यह जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। मरुभूमि में 40 वर्ष रहने का जो मतलब था, प्यारे भाइयों और बहनों, वो बाइबल में यूं लिखा है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2, बुक ऑफ ड्यूट्रोनमी चैप्टर 8 वर्स 2, कि मरुभूमि में इन 40 वर्षों की वह यात्रा को याद रखो। कि क्यों परमेश्वर 40 वर्षों तक इज़राइलियों को वहां पर लेकर चला, जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुमको बाध्य किया, उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया। क्या बनाने के लिए? दीनहीन बनाने के लिए। कई बार लोगों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, उन्हें जल्दी फल नहीं मिलता है। हो सकता है 5 साल लग जाते हैं, हो सकता है 10 साल, किसी को 10 साल के बाद भी संतान मिलती है, 5 साल के बाद भी मिलती है। यदि हम अपनी इस जिंदगी को मरुभूमि की यात्रा से जोड़कर देखें, तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर भी चाहता है कि आप विश्वासी लोग परीक्षा में खरे उतरे, दीन बने, विनम्र बने, प्रायश्चित करें। अगले वचन में लिखा है, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए और तुम्हारे मनोभावों का पता लगाने के लिए और इस प्रकार यह जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं, वह तुम्हें 40 वर्षों तक मरुभूमि में लेकर चला। मरुभूमि का मतलब क्या है? मरुभूमि का मतलब है विषम परिस्थितियां, संकरा रास्ता, दुख भरा रास्ता, जिसमें अनेक प्रकार के कष्ट आए, बीमारियां आए, भूचाल आए। उन 40 वर्षों में बहुत सारी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। उसी तरह से अगर साधारण व्यक्ति के जीवन में जो भक्ति करता है, जो विश्वासी है, अगर कष्ट आता है, जल्दी आपको रास्ते नजर नहीं आ रहे, फल नजर नहीं आ रहे, तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपके विश्वास की परख कर रहा है, परमेश्वर आपकी सहनशीलता की परख कर रहा है। वो ये देखना चाहता है कि वास्तव में मेरे ये भक्त बेटे और बेटियां मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं, क्योंकि साफ साफ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2 और उससे आगे लिखा है, वचन संख्या 3 में लिखा है, उसने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा और फिर तुम्हें मन्ना भी खिलाया, जिसे ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज ही। इससे उसने तुमको यह समझाना चाहा
कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रियजनों, आप में से बहुत सारे लोग कष्ट में होकर गुजरते हैं, भयानक भयंकर कष्ट में, दर्द से, पीड़ा से, दुश्मनी से, अनेक प्रकार से जब होकर गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि हम दंड भोग रहे हैं। प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें त्रस्त किया, मैंने तुम्हें भूखा रखा। और वह ईश्वर समझाना चाहता है कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता, मनुष्य रोटी से नहीं जीता, परंतु परमेश्वर के आशीर्वाद से, उसके अनुग्रह से, उसके वचन से, जो हमारी आत्मा का भोजन है, उससे वह जीता है और उन्नति प्राप्त करता है। लिखा है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। और इन 40 वर्षों में ना तुम्हारे पहने हुए वस्त्र जर्जर हुए और ना तुम्हारे पांव ही सूजे। कितनी सुंदर बात है। कहता है, इन बातों को अपनी संतानों को याद दिलाओ, अपने बेटे बेटियों को, अपने नाती पोतों को याद दिलाओ कि इन 40 वर्षों में ना तो तुम्हारे वस्त्र जर्जर हुए और ना तुम्हारे पैर सूजे। मैंने तुम्हें भूखा नहीं रहने दिया, प्यासा नहीं रहने दिया, मैंने तुम्हारे साथ ये सब काम किए हैं। इसलिए ये निहायत ही जरूरी है विश्वासियों के लिए कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि आज्ञा पालन हमें बचाता है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। सूक्ति ग्रंथ, सूक्ति ग्रंथ, अध्याय 19, अध्याय 19, पद संख्या 18, पद संख्या 18। जो आज्ञाओं का पालन करता है, जो आज्ञाओं का पालन करता है, वह अपने जीवन की रक्षा करता है, वह अपने जीवन की रक्षा करता है। जो आज्ञाओं का पालन करता है, जो आज्ञाओं का पालन करता है, वह अपने जीवन की रक्षा करता है, वह अपने जीवन की रक्षा करता है। जो अपने आचरण का ध्यान नहीं रखता, जो अपने आचरण का ध्यान नहीं रखता, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, वह मर जाएगा, मर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इज़राइलियों को बार बार इन बातों को बताता था कि सावधान रहो, तुम अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो, सावधान रहो, तुम अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो। जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ उसी का दिया हुआ है। आगे लिखा है, उसके जो आदेश, विधियां तथा नियम आज मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं, तुम उनकी उपेक्षा मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम खाकर तृप्त हो जाओगे, जब तुम सुंदर भवन बनाकर उनमें निवास करोगे, जब तुम्हारे गाय बैलों और भेड़ बकरियों की संख्या बढ़ जाएगी, जब तुम्हारे पास बहुत सोना चांदी और धन एकत्र हो जाएगा, तो तुम घमंडी बन जाओ और अपने प्रभु ईश्वर को भूल जाओ। उसने तुम लोगों को मिस्र देश से, दासता के घर से निकाल लिया है। कहता, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे पास बहुत धन संपत्ति हो जाए, पैसा हो जाए, तुम में घमंड आ जाए, तुम गर्व करने लगो और तुम ईश्वर को भूल जाओ। तुम लोग अपने मन में यह मत कहो, हमने अपने सामर्थ्य और बाहुबल से यह सारी संपत्ति एकत्र कर ली है, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि वह आज तक वह विधान बनाए रखता है जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को अंगीकार करेंगे और बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, तुम अपने प्रभु ईश्वर का, तुम अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो, स्मरण करते रहो, वही तुम्हें, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का, संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि वह, क्योंकि वह आज तक, आज तक वह विधान बनाए रखता है, वह विधान बनाए रखता है जिसे उसने, जिसे शपथ खाकर, शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए, तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया है, निर्धारित किया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये
आज का वचन है मेरे और आपके लिए कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचन पर चलें। इतना ही नहीं, वो और आपसे कुछ कहना चाहता है चालीसे की इस अवधि में, कि प्रभु कहता है कि तुम अपने हृदयों का खतना करो और हठधर्मी मत बनो। कहता है अपने हृदयों का खतना करो, क्योंकि इसमें से बुरे और अच्छे विचार दोनों निकलते हैं। तुम इसमें परख कर देखो कि क्या इसमें अच्छाई है और क्या इसमें बुराई है, क्योंकि इस विषय में लिखा है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 21, बुक ऑफ सिराख चैप्टर 37 वर्स 21। हृदय में विचारों की जड़ है, उसमें से चार डालियां निकलती हैं, बुराई और भलाई, जीवन और मृत्यु, और इन सबों पर जिह्वा शासन करती है। कहता है इन सबों के ऊपर कौन शासन करता है? जीभ शासन करती है। तो इसलिए विधि विवरण ग्रंथ में प्रभु ने कहा कि तुम अपने हृदयों का खतना करो, उन बातों को इसमें से निकालो जो बुरी हैं, उन विचारों को अपने मन से और आत्मा से निकाल दो जो इसमें बुरे हैं। आगे लिखा है हठधर्मी मत बनो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वह महान शक्तिशाली तथा भीषण ईश्वर है। वह पक्षपात नहीं करता, वह घूस नहीं लेता, वह अनाथ तथा विधवा को न्याय दिलाता है। यह तीसरी आज्ञा प्यारे भाइयों और बहनों, जिसे हम विधि विवरण ग्रंथ में पढ़ते हैं। आगे लिखा है अध्याय 11 में, तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो और उसकी आज्ञाओं, नियमों, विधियों, निषेधों और आदेशों का सदा पालन करो। आज प्रभु अपने ईश्वर की शिक्षा को याद रखो। मैं तुम्हारे बच्चों से यह नहीं कह रहा हूं, उन्होंने तो प्रभु का अनुशासन नहीं देखा और इसका अनुभव नहीं किया, लेकिन तुमने उसकी महिमा, उसका सामर्थ्य और उसका बाहुबल देखा। तुमने मिस्र में मिस्र के राजा फिराउन और उसके समस्त देश के विरुद्ध प्रभु के किए हुए चमत्कारों को देखा है। माता पिता से कह रहा है, कहता है मैं तुम्हारे बच्चों से नहीं कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, क्योंकि तुम तो जानते हो, आप लोग तो बड़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हैं, जो उसकी महिमा को तो आपने देखा है। ये बच्चे अभी नवजात हैं, छोटे हैं, ये भी नहीं समझे, इन्होंने प्रभु का अनुशासन अभी देखा नहीं, इसलिए माता पिता से ये प्रभु अनुरोध कर रहा है कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम मेरे विधियों, नियमों, आदेशों का पालन करना। इसलिए घर में दंपति, मम्मी पापा, पति पत्नी, आपके वैवाहिक जीवन में जो प्रभु इस वक्त गवाह के रूप में है, वो आप लोगों को सहायता करता है कि आप अपने बच्चों को ईश्वर की शिक्षा के विषय में बताएं और उसकी संहिता के विषय में उसे बताएं और उसके नियमों आदेशों पर उन्हें चलना सिखाएं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर दंपतियों से धर्मी संतति चाहता है। परमेश्वर दंपतियों से धर्मी संतति चाहता है। इसी के साथ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 18, तुम लोग मेरे ये शब्द हृदय और आत्मा में रख लो, कहता है तुम लोग मेरे ये शब्द हृदय और आत्मा में रख लो, इन्हें निशानी की तौर पर अपने हाथ में और शिरोबंद की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो, इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाते रहो। तुम चाहे घर में रहो, चाहे यात्रा करो, सोते जागते समय इनका मनन करते रहो। तुम इन्हें अपने घरों की चौखटों और फाटकों पर लिख दो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज उस देश में रह सकें जिसके विषय में प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया था कि जब तक आकाश और पृथ्वी बने रहेंगे
वह तब तक के लिए उसे तुम्हें दे देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ, आप हमारे बीच में हाजिर हैं, आप हमसे बातें कर रहे हैं, मैं इन वचनों को ग्रहण करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं इन वचनों के अनुसार जीवन बिताऊंगा हालेलुया 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 हालेलुया। तो इतने वादे जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है, आप महसूस करें कि आपके घर में जिस संगति में आप बैठे हैं वहां परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, उसका एक एक वचन प्यारे भाइयों और बहनों सच्चा है, उसकी एक एक मात्रा और बिंदु पूरा हुए बिना नहीं टलेगी। और इसी के साथ अगले वचन में वो लिखता है, तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर सकेगा, तुम जिस भूमि पर अपने पांव रखोगे उस समस्त देश में प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे प्रति भय और आतंक उत्पन्न करेगा, जैसी उसने तुमसे प्रतिज्ञा की है, वो उसे पूरा करेगा। इसलिए विश्वासियों को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका परमेश्वर जो आपको यहां पर लेकर आया है, जिसने आपको सुरक्षित रखा है, प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमसे बार बार वादा करता है कि वो हमें संभालेगा, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इन तमाम बातों को सुनकर यहोशुआ ने इसराइलियों से कहा कि मैंने और मेरे परिवार ने आज ईश्वर की उपासना करने की शपथ ले ली है कि हम उसकी उपासना करेंगे, हम उसकी सेवा करेंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो, आप लोग डिसाइड करें। आप में से कितने लोग उसकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं? आप में से कितने लोग आत्मत्याग करना चाहते हैं? चालीसे की इस अवधि में जबकि आप उपवास प्रार्थना दान दशमांश दे रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, भंडारे लगा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और प्रायश्चित की इस अवधि में कठिन परिश्रम कर रहे हैं ताकि आप परमेश्वर के नजदीक आ सकें, तो प्रभु कहता है कि तुम आत्मत्याग करना सीखो, मेरा अनुसरण करना सीखो, अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना सीखो। जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता तब तक वो फल उत्पन्न नहीं करता। आम का सीजन है, पेड़ों पर बौर आया हुआ है, कुछ ही दिनों में आम लगेंगे। अगर आप एक आम तोड़ कर देखें तो उसमें एक गुठली है, लेकिन उस गुठली में बहुत सारे आम हैं, एक आम है उसमें एक गुठली है, लेकिन उस गुठली के अंदर बहुत सारे आम हैं। परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है, विश्वासी एक है लेकिन यदि वो परमेश्वर के लिए गवाही बन जाता है तो उसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है अनेक प्रकार के विश्वासियों को उत्पन्न करने के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों। तो इसलिए उस गवाही को बनने के लिए अपने आप को आत्मत्याग करने के लिए समर्पित करना, क्योंकि प्रभु कहता है जो हल्की मूठ पकड़कर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं है। अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो आत्मत्याग करो और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो, और मैं तुम्हें आनंद शांति और उन्नति प्रदान करूंगा। इसलिए प्रवक्ता इसलिए सूक्ति ग्रंथ बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3:1 प्रभु का वचन कहता है, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे और याद करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 पुत्र
पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को, मेरी आज्ञाओं अपने हृदय में संजोए रखो, अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु, लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी, और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे, मेरे शब्दों पर ध्यान, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनोगे, प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनोगे, और सत्य में मन लगाओगे, और सत्य में मन लगाओगे, यदि तुम विवेक की शरण लोगे, यदि तुम विवेक की शरण लोगे, और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, तो धार्मिकता और न्याय, तो धार्मिकता और न्याय, सच्चाई और सन्मार्ग का, सच्चाई और सन्मार्ग का मर्म समझोगे, मर्म समझोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वचन है, कहता अगर तुम मेरी बातों में मन लगाओगे, सत्य की शिक्षा को स्वीकार करोगे, विवेक की शरण लोगे, सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, तो तुम धार्मिकता का मर्म समझोगे, न्याय का मर्म समझोगे, सन्मार्ग का मर्म समझोगे, सत्य का मर्म समझोगे कि परमेश्वर इनके द्वारा तुम्हें क्या सिखाना चाहता है और क्या बताना चाहता है। ये आज के इस दिन में परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों हमसे बातें कर रहा, एक एक व्यक्ति से। इस संध्या के समय जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में इस वक्त जुड़े हुए हैं और आप वचन सुन रहे हैं, ये वचन आज आपके लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपकी दीर्घ आयु के लिए है। इनमें से अगर 1% भी आप फॉलो करने में समर्थ होंगे तो परमेश्वर आपको 100 गुना फल प्रदान करेगा, क्योंकि वो हमारा हृदय देखता है, वो हमारे हृदय के अंदर चाहत देखता है। मैंने आपके लिए वचन पढ़ा कि 40 साल मरुभूमि में परमेश्वर ने उनको इसलिए रखा क्योंकि वो जानना चाहता था कि ये मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं। वो आपकी और हमारी परीक्षा लेना चाहता है, वो हमें परखना चाहता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष प्रदान करें, हम आत्मत्याग करना सीखें, हम अपनी उन इच्छाओं को मारना सीखें जो हमें ईश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए रोकती हैं, जो हमें न्याय धार्मिकता पर चलने के लिए रोकती हैं, जो हमें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए रोकती हैं। हम उन बातों के लिए तौबा करें, उन बातों से हम दूर हो जाएं और अपने हृदयों का खतना करें और प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। आइए हम इस वक्त चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का आत्मा जो इस वक्त हमारे बीच में है, वो हम लोगों को आशीष, चंगाई, शांति प्रदान करे। आमेन।
यीशु ने कहा, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है तुम उसके द्वारा शुद्ध हो गए हो। मेरे वचन आत्मा और जीवन है। यदि तुम मेरी वाणी पर ध्यान दोगे, कान लगाकर उसे सुनोगे, तो वह तुम्हें जीवन प्रदान करेगी और तुम्हारी आयु लंबी होगी। समर्पित करना अपने आप को, यह पवित्र समय है। जाने अनजाने में अनेक बार हम परमेश्वर के वचन से दूर चले गए, हम परमेश्वर से भागते रहे, हम इस संसार के माया मोह में फंस गए, हम उससे दूर भटक गए। और बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर से दूर जाने का अंजाम आप लोग जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने उस अंजाम को अपनी जिंदगी में अनुभव किया जब वो अपने पिता से दूर चला गया। उसका जीवन कष्ट में था, वो एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गया था, क्योंकि उसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, वो उसका घर छोड़कर चला गया। उसे अपने पिता का घर पसंद नहीं आया जहां पर खुशहाली थी। अनेक लोग इसी प्रकार का आचरण करते हैं, इसलिए बाइबल हमें बताती है कि भाइयों की संगति से कभी अलग नहीं होना। परमेश्वर को भाइयों का प्रेम पसंद है, स्तोत्रकार कहता है। प्रवक्ता ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु को भाइयों का प्रेम पसंद है।
संत पौलुस कहता है भाइयों की सभा से आप लोग अलग ना रहें। परमेश्वर के 10 हुक्मों में से एक हुक्म है अपने माता पिता का आदर करना, क्योंकि परमेश्वर माता पिता से धर्मी संतति चाहता है। वो आपके हर एक बीमारी से आपको निजात दिलाएगा, वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपको संभालेगा, आपके लिए युद्ध लड़ेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि वो आपके लिए युद्ध करेगा, ये परमेश्वर का वादा है और उसका एक एक वादा प्यारे भाइयों और बहनों सच्चा है, क्योंकि उसने कहा मैं परमेश्वर नहीं बदलता हूं, तुम लोग बदल जाते हो। इसलिए मूसा कहता है कि तुमको उसकी स्तुति करनी चाहिए, वह तुम्हारा ईश्वर है, उसने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मयकारी कार्य संपन्न किए हैं। वो प्रभु यीशु जिसने अपना सर्वस्व क्रूस के ऊपर निछावर कर दिया मेरे और आपके लिए। और यूहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अंतिम ब्यालू के समय उसने रोटी ली, उसे तोड़ा और शिष्यों से कहा तुम इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है, तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, तुम्हारे पापों के लिए न्योछावर किया जा रहा है। उसने अपने बदन को तोड़ा, उसने आत्मत्याग किया जिससे कि हमें और आपको जीवन मिले। यीशु के आत्मत्याग से, उसके प्रायश्चित से, उसके बलिदान से प्यारे भाइयों और बहनों आज सारी मानव जाति ईश्वर की कृपा का पात्र बन गई। इसलिए हम उसके सानिध्य में खड़े होने की जरूरत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पापों को माफ कर दिया गया है। और संत पौलुस कहता है अब तुम लोग डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के लिए प्रयासरत रहो, कार्य करते रहो, झूठ मत बोलो, निंदा मत करो, अश्लील बातें मुख से मत निकालो, व्यभिचार में मत रहो, अपने दाम्पत्य जीवन को पवित्र रखो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, हाथों को उठाओ, वेदी के सामने घुटने टेको और भोर के समय उठकर चिल्लाओ, प्रभु की दुहाई दो, अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए तुम चिल्लाते रहो, क्योंकि परमेश्वर सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वो द्रवित हो जाए और तुम पर दया करें, क्या जाने वो द्रवित हो जाए और तुम पर दया करें। आप में से बहुत सारे लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, थोड़ा सा कष्ट आया घबराने लगते हैं, विश्वास में अधूरे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु इस वक्त कह रहा है मेरे बच्चों से कहो कि चालीसे की इस पवित्र अवधि में प्रार्थना में पूरे रहें, आज्ञाओं का पालन करने में पूरे रहें, प्रभु पर भरोसा करने में पूरे रहें, विश्वास में पूरे रहें, परमेश्वर को जितना बड़ा है उतना बड़ा देखें, उसके चिन्ह चमत्कारों को याद करें भूले ना, उसकी शिक्षा को याद करें स्मरण करें भूले ना, उसके वादों को याद करें और प्रार्थना करें और वो आपको आशीष प्रदान करेगा। द लॉर्ड इज ब्लेसिंग योर राइट नाउ, ही इज ब्लेसिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जितने भी लोग इस वक्त इस आराधना में जुड़े हुए हैं, प्रभु आप में से एक एक हृदय को, आत्मा को ब्लेस कर रहा है, आप में से एक एक व्यक्ति को आशीष प्रदान कर रहा है। आप में से कुछ लोग जो आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपके आंसुओं को देखा है, वो आपकी परिस्थितियों से अच्छी तरह से वाकिफ है, वो आपके हृदयों की थाह लेता है, वो आपके आंसुओं को देखता है। आज बहुत सारे लोगों के काम नहीं बने, हो सकता कोर्ट कचहरी में आपको न्याय नहीं मिला, घबराइए मत, घबराइए मत, वो आपके साथ है, न्याय करने वाला परमेश्वर है, उचित समय पर वो न्याय करेगा। हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त, आप में से जितने भी लोग बीमार हैं, जो रोगशैया पर हैं, लकवे से पीड़ित हैं, कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, आईसीयू में हैं, आप सभी लोगों को ईश्वर हिम्मत दे, ढारस प्रदान करें, आप अपने दुखों को सहन करने वाले बन सकें। दो डॉक्टर्स जो आपका इलाज करते हैं, प्रभु उनके हाथों को शुद्ध करें, पवित्र करें, और उनके द्वारा जो भी इलाज किया जाए वो प्रभु की ओर से हो और आपको तंदुरुस्ती मिले। परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ करें, आप उसके नाम पर उठें और चलें फिरें, आपके अंदर
परमेश्वर ढारस प्रदान करे, पवित्र आत्मा आप लोगों की अगुवाई करे। इन विशेष बातों को समर्पित करना और प्रार्थना करते जाना, एक एक जरूरत को समर्पित करना। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, जो अपने जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रभु इन्हें स्पर्श कर, इनकी नसों में तेरा पवित्र सामर्थ्य लहू जो चंगा करता शिफा देता बहने दे। जो निराश इन्हें ढारस बंधाइए, जो ब्रेन ट्यूमर जैसी भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, शरीर में गांठों से पीड़ित हैं, किडनियों के रोग से, हृदय के रोग से, लीवर के कैंसर से, बोन मैरो कैंसर से पीड़ित हैं, प्रभु यीशु इन पर दया करना, इनके माता पिता पर दया करना, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के बंधनों से आजाद करना। मैं तेरा दास इनके लिए प्रार्थना करता और क्षमा मांगता हूँ, मेरी प्रार्थना को सुनो और कबूल करो। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। प्रार्थना करते हैं दंपतियों के लिए जिनका दाम्पत्य जीवन खतरे में है, जो तलाक लेने की सोच रहे हैं। प्रभु ने आपको इसलिए जोड़ा ताकि आप एक दूसरे के लिए आशीष और उद्धार का कारण बन जाएं। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु तलाक से घृणा करता है, प्रभु तलाक से घृणा करता है। एक दूसरे को क्षमा कर दें, एक दूसरे की नादानियों को माफ करें। सब ने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस धरती के ऊपर जिसने कभी पाप ना किया हो। इसलिए एक दूसरे को सहन करें, क्षमा करें, एक दूसरे को माफ करें और अपने घर को परमेश्वर के नाम पर समर्पित करके उसे बसने दें। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। हम प्रार्थना करते स्टीफन के लिए जो कोमा में है, प्रभु ने चंगाई प्रदान कर। लवली को दवाइयों से छुटकारा दे प्रभु, गौरव को नौकरी की आशीष दे, स्टीव को प्रभु नौकरी की आशीष मिले, सबास्टिन को नौकरी की आशीष मिले, सोनू को शरीर के जख्मों में प्रभु चंगाई मिले, अनीश सुशांत किसपोटा को परीक्षा में सफलता मिले, रजनी को अच्छा जीवन साथी मिले, राहुल को क्रोध की आत्मा से छुटकारा दे, निर्मला को घुटनों के बीमारी से चंगाई दे। प्रेम आनंद बारला अपना जन्मदिवस मनाते हैं प्रभु, इनका भविष्य उज्जवल हो जाए, इन्हें आशीष देना। हौसले के परिवार में शांति और एकता बनी रहे। पीटर आदित्य मंडल को प्रभु परीक्षा में सफलता दे, लक्ष्मी तांदिया को संतान की आशीष मिले, निरंजन का परिवार विश्वास में आगे बढ़े, गायत्री दास को अच्छा स्वास्थ्य दे, लिली दास, शीला दास और शिखा दास को प्रभु नौकरी में एवं आशीष प्रदान कर, प्रभु के साथ रहने की आशीष मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। लिली के शरीर में जो इन्फेक्शन है प्रभु उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करना, उनकी प्रार्थनाओं को सुनना। लिली, शीला और शिखा प्रभु की छत्र छाया में रहने की आशीष दे। पास्कोलीना कुजूर और लक्ष्मण कुजूर आपस में जो भी मनमुटाव है प्रभु समाप्त हो जाए, ने तेरी आशीष मिले, एक दूसरे को क्षमा करने वाले बन जाएं। रामासुरे अनीमा कुजूर को सोनू, प्रेम, कामिल, आयुष और हेमा, वेरोनिका, सबस्तिया, बेक, रजीना, एक्का को संपूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। इसीडोर, सेथ, अविनाश मिंज, अंशु, एलेक्स, थॉमस, पत्रस, सुखदेव, सुमित, तिरकी, फ्रांसिस को प्रभु, राजीव को नशे से छुटकारा प्रदान, नेहा कुजूर को अच्छी बुद्धि और ज्ञान मिले,
राधिका को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, आइरीन को परीक्षाओं में सफलता दे, पूर्वांशु को पढ़ाई अच्छे से करने की आशीष दे, सलीमा और मुकेश के परिवार में प्रभु लड़ाई झगड़े एवं बंधन समाप्त हो, अमित दानियल कुजूर को प्रभु परीक्षाओं में सफलता दे, निर्मला धाबी को अच्छा स्वास्थ्य दे, प्रीति अंजू लकड़ा को अच्छा स्वास्थ्य और सफलता प्रदान कर, अंशु मिंज को प्रभु मनोरथ पूरे हों, शुभम को अच्छा स्वास्थ्य मिले, सेबास्टिन को नौकरी की आशीष प्रदान करना, रिचा को आशीष प्रदान कर, डीबी रोज को प्रभु कोर्ट केस में प्रभु सफलता मिले, डीबी रोज को अच्छा स्वास्थ्य मिले, शेरिल रॉयली को नौकरी की उन्नति प्रदान कर, जोसेफ रॉयली को अच्छा स्वास्थ्य दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। जेसिका को प्रभु आशीष दे, प्राची कुजूर को प्रभु पढ़ाई में आशीष प्रदान कर, हीरा को प्रभु वचन सुनने और समझने की आशीष प्रदान कर, जो घुटना टेक सकते हैं टेके, हाथों को उठाएं, आपकी जो भी प्रार्थनाएं और मन्नतें हैं हम प्रभु को समर्पित करेंगे। प्रभु इस वक्त आपको आशीष प्रदान करें, आपके घर में ईश्वर की आशीष उतरे और आप लोगों को ब्लेस करें, एक एक बेटे और बेटी को जो इस वक्त घर में है या बाहर हैं, परमेश्वर की रूह का दुगना मस्सा और आशीर्वाद मिल जाए। दया करने वाले चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बेटे और बेटियों पर आशीष प्रदान कर जो तेरे सामने इस वक्त नतमस्तक होकर घुटना टेके हुए हैं। इनके घरों पर चौकटों बिछौनों और आटा गूंदने की परात पर तेरा आशीर्वाद उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। तू दया कर राजा, दया करने वाला चंगा करने वाला प्रभु है। हे प्रभु, तो इनकी सारी जरूरतों को और इनके मनोरथों को पूरा करने की कृपा करना। मैं तेरा दास इस वक्त हाथों को उठाते हुए हे प्रभु तुझसे दया की याचना करता हूँ। हे प्रभु, तो अपने इन बच्चों के विश्वास के अनुसार इनकी सुधि ले और इनकी मन्नतों को पूरा कीजिए। अज्ञानता के कारण जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई प्रभु माफ कर दीजिए। दंपतियों को, माता पिता को, बुजुर्गों को प्रभु आशीष प्रदान कर जिससे कि ये तेरी आज्ञाओं का पालन करें और तेरे वचनों के अनुसार जीवन बिताते जाएं। हम तेरे अयोग्य दास दासियां, हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान कर, हमारे मन आत्मा और विचारों को शुद्ध करना, हमें दुख सहन करने की शक्ति देना, आत्म त्याग करने की कृपा प्रदान करना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं धर्म पुरोहितों, धर्माध्यक्षों, धर्म संगियों, धर्म बंधुओं के लिए जो तेरी कलीसिया की रेवड़ की अगुवाई कर रहे हैं। हे प्रभु, निस्वार्थ रूप से ईमानदारी से तेरी इच्छा के अनुसार जीवन बिताते जाएं और तेरी प्रजा की देखभाल करें। देश के अधिकारियों, शासकों, प्रशासकों और सभी उद्योगपतियों पर हे प्रभु, घर में रहने वाले, घर से बाहर रहने वाले सभी कार्यकर्ताओं पर आशीष प्रदान कर और तेरे इन विश्वासियों के बच्चे जो दूर दराज में, देश विदेश में कार्य करते हैं, उन पर तेरी रूह का मसा उतरे और उनके जीवन में शांति बनी रहे। तेरा वादा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं दूतों और संतों की मध्यस्थता से। हे प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनना, कबूल करना अपने सामर्थी उद्धार करता नाम के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो,
महिमा सदा सर्वदा पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा सर झुकाए सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। जितने लोग आज पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे थे, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और हम सबके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे जिससे कि बी बैंड फॉर जीसस टीम आपके लिए सदा प्रार्थना करती रहे, आपके परिवारों के लिए। मुझे बहुत खुशी है, बहुत सारे लोग संध्या वंदना में भाग लेते हैं और प्रभु की आशीषों को ग्रहण करते हैं। इस आराधना और छुटकारे की प्रार्थना के माध्यम से, वचन की घोषणा के माध्यम से बहुत सारे घरों को, लोगों को प्रभु ने ब्लेस किया है, आशीर्वाद दिए हैं और प्रभु का वचन जो जीवित है आप लोगों को आशीष प्रदान करता रहे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।